से इंसानी कंकाल। नागपुर नाम का एक बड़ा ही कुख्यात गांव था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और महलों के कारण उस गांव के चर्चे हर जगह होते थे। वहां हर दिन पर्यटकों का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर से समीर नाम का एक लड़का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। समीर को गांव के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुंघरू महल की। लेकिन सूरज ढलने में ज्यादा समय नहीं होता और समीर गाइड को वहां जाने के लिए बोलता है। घुंघरू महल तो हम गए ही नहीं, अभी वहां जाना बाकी है। सर, पर वो तो हम कल भी जा सकते हैं। कल का मेरा कुछ और प्लान है और वैसे भी जो काम मुझे करना होता है वो मैं करके रहता हूँ। मेरी कल पर काम छोड़ने की आदत नहीं है। सर, शाम होने को है और ऐसा कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद घुंघरू महल में जाना खतरे से खाली नहीं है। शाम होते ही वहाँ इंसानी कंकाल घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा है भी तो मैं उन कंकालों से दोस्ती कर लूंगा। मुझे बस तस्वीरें खींच कर लानी है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। तो ठीक है, पर मैं यही दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगा। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है सर। गाइड वहां जाने से साफ मना कर देता है और समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाते ही समीर तस्वीरें खींचने लगता है। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज लगाता है। अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आ जाइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफी सन्नाटा होने के कारण समीर को गाइड की आवाज सुनाई दे जाती है। आवाज सुनने के बाद समीर बोलता है, मुझे अभी समय लगेगा, तुम चले जाओ, मैं आसपास से कुछ लेकर अपने होटल वापस चला जाऊंगा। लेकिन सर, आपका ज्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है, आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा, हम कल दोबारा यहाँ आ जाएंगे। नहीं, मैं आज ही सारा काम खत्म करके निकलूंगा, तुम जा सकते हो। अच्छा, आप अपना काम करिए, मैं यहीं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। ठीक है। समीर गाइड की बात नहीं मानता और तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचते वक्त कोई उसके आगे से गुजरा। जब वो कैमरा हटाकर देखता है तो उसे सामने कुछ नजर नहीं आता। अपना वहम समझकर समीर फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब वो अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या, इंसानी कंकाल? समीर तुरंत अपना कैमरा हटाता है। अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, पर सामने तो कोई नहीं है। शायद कुछ ज्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली, लगता है उसी का असर है। समीर आगे चलने लगता है। उसकी आहट के साथ और कोई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो फिर आगे चलने लगता है। समीर महल के ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है।